हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल फिर से हाजिर हूँ आपसे कुछ नई बातें शेयर करने के लिए। वैसे मुझे उम्मीद है पिछली वीडियो को देख करके आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, जहाँ हमने कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से खुद और दूसरी वस्तुओं के प्रतिबिंब को समझा था। यदि आपको याद हो तो मैंने एक चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा था, जहाँ चम्मच के अवतल सरफेस पर मुझे उल्टा और उत्तल सरफेस पर सीधा प्रतिबिंब दिखाई दिया था। आपने भी ये घर पर जरूर करके देखा होगा, नहीं करके देखा तो तुरंत करके देखिए, बहुत मजा आएगा। हाँ, तो अब मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था। जिस प्रकार उत्तल दर्पण के केस में सिर्फ दो ही जगह वस्तु को रख सकते हैं, एक अनंत और दूसरा अनंत और पोल के बीच में, क्या अवतल दर्पण में भी दो ही केस बनेंगे या उससे ज्यादा? क्या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति सीधी रहेगी या उल्टी, आभासी रहेगी या वास्तविक? चलिए इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के सारे पॉइंट सामने की तरफ होते हैं, तो हम वस्तु को छह अलग अलग पॉइंट पर रखकर छह अलग अलग केस बना सकते हैं। अनंत पर, सी से परे, सी पर, सी और एफ के बीच, एफ पर और आखिरी एफ और पी के बीच वस्तु को रखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इन अलग अलग पॉइंट पर वस्तु को रखने से प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होगा। इस एक्टिविटी को करने के लिए मुझे अवतल दर्पण, एक स्टैंड, एक मोमबत्ती, एक पर्दे वाली छोटी स्क्रीन और एक बड़े चार्ट पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो मैं इस चार्ट की एक तरफ एक पॉइंट अंकित करूंगा जिसको हम पी से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? पी से। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ, और हम पहले से ही जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो P से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर C को अंकित करेंगे और P पर मैं अपना अवतल दर्पण रखूंगा। केस वन, यदि मैं मोमबत्ती को दूर रखूं, अनंत पर और स्क्रीन को कहीं बीच में, मुझे स्क्रीन को तब तक आगे पीछे करना पड़ेगा जब तक एक प्रकाश की तेज बिंदु स्क्रीन पर ना मिल जाए। ये बिंदु मुझे तभी मिला जब मैंने स्क्रीन को फोकस पर रखा। प्रतिबिंब साइज में बहुत छोटा, प्रकृति में उल्टा था और स्क्रीन पर दिख भी पा रहा था, इसलिए वास्तविक भी है। आप चाहें तो इस ऑब्जर्वेशन को साथ साथ अपने टेबल में भी भर सकते हैं। केस टू, यदि मोमबत्ती को सी से परे रखा जाए, मतलब अनंत से पहले और सी से परे, अनंत और सी के बीच में रखा जाए, तो तब मुझे स्क्रीन पर प्रतिबिंब तब मिलेगा जब स्क्रीन एफ और सी के बीच में रखा जाए। यहां भी प्रतिबिंब का साइज छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। केस थ्री, यदि मोमबत्ती को सी पर रखा जाए तब प्रतिबिंब भी सी पर ही मिलेगा, लेकिन इसका साइज मोमबत्ती के समान है, साथ ही वास्तविक और उल्टा भी। केस फोर, यदि मोमबत्ती को सी और एफ के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब हमें सी से परे मिलेगा, जिसका साइज मोमबत्ती से बड़ा एवं वास्तविक और उल्टा है। केस फाइव, यदि मोमबत्ती को एफ पर रखा जाए तब प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनता नजर आएगा, जिसका साइज बहुत बड़ा एवं वास्तविक और उल्टा रहेगा। केस सिक्स, आखिरी केस में यदि मोमबत्ती को एफ और पी के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनता नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वह दर्पण के पीछे बन रहा है, जैसा कि उत्तल दर्पण में होता है। साइज बड़ा रहेगा और प्रकृति आभासी और सीधी रहेगी। तो दोस्तों, इस एक्टिविटी से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा, वास्तविक एवं आभासी, बड़ा एवं छोटा, हर प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। ज्यादातर केस में अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु की तरफ परावर्तित या कन्वर्ज करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण डाइवर्ज करते हैं, इसीलिए वह डाइवर्जिंग मिरर कहलाते हैं। इसी कन्वर्जिंग प्रकृति के कारण इसका उपयोग गाड़ी की हेडलाइट्स में और टॉर्च के रिफ्लेक्टर के तौर पर किया जाता है। साथ ही बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग मिरर की जगह भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको बहुत मजेदार लगी होगी और कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली होंगी। चलिए अब मुझे निकलना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, तब तक आप ये टेबल देख सकते हैं। बाय।